दोस्तों चलते चलते हमेशा भूख लग जाती है, आपको भी पता है हमें भी पता है। कल के वीडियो में आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से खाटू श्याम में दर्शन किए, वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत रास्ते में निकल आए हैं, वो सभी नहीं बताया था। तो आज आपको दिखाना है उसके आगे का प्लान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने चैनल पर। और हम लोग खाटू श्याम से निकल कर चल रहे हैं मथुरा की ओर। हमारे पास एक दिन बचा है कल का दिन, और उस दिन में हम चल कर जाएंगे मथुरा में और मथुरा वृंदावन का दर्शन करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद फिर वही आगरा एक्सप्रेस से पकड़ कर हमारी घर वापसी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं लगभग 3:30 और हम 3:30 बजे से निकल के लगभग 9-9:30 बजे के आसपास मथुरा पहुँचने वाले हैं। रात के बज गए हैं 9:30 और हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन में, और जन्मभूमि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसी के आसपास में है, और रूम ढूंढने का प्रयास हो रहा है, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें। अब फिलहाल हम लोगों ने होटल ले लिया है, यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, और ये जो बाबा का दा ढाबा है यहीं पर हम लोग भोजन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर भोजन कर लें, उसके बाद में फिर अब चलेंगे, इस टाइम सोएंगे और सुबह में दर्शन वर्शन करेंगे। घूम जो भी होगा सुबह घूमा जाएगा, सुबह देखा जाएगा मथुरा में कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सबके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों कुछ ऐसा था हमारा रूम, काफ़ी मशक्कत के बाद ये मिला था, ठीक ठाक था, और मथुरा के बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिए कि बाहरी एरिया में ही हम लोगों ने ये रूम ले लिया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करेंगे, और साथ साथ भैया कौन सा और मंदिर है, और द्वारिकाधीश मंदिर, बस केवल दो मंदिर दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि समय के हिसाब से कल हम लोगों का मतलब विद्यालय है, तो आज निकल के शाम को जल्दी पहुंचेंगे तभी कल का हमारा काम हो पाएगा। और बाकी अगर मथुरा आपको वृंदावन देखना है, बरसाना देखना है, तो कम से कम आपको 2 दिन की ज़रूरत होती है। तो बस आज पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर मथुरा में, यूपी में ही रहता हूँ लेकिन फिर भी नहीं पहुँच पाया, तो आज बस केवल ये 2 मंदिर दर्शन करूँगा, उसके बाद फिर भगवान जब श्री कृष्ण बुलाएंगे तो फिर आएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। वैसे पता चला है अभी भैया ने बताया, क्योंकि भैया कई बार आ चुके हैं, कि जन्मभूमि परिसर में फ़ोन वोन तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, फ़ोन तो छोड़िए, बेल्ट, पर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाबी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जा सकती है, तो वहाँ का वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, मथुरा का थोड़ा सा आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा, और अगर वहाँ पर जो दूसरे मंदिर जाने वाले हैं द्वारिकाधीश में, वहाँ पर अगर कुछ होता है तो आप ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंदन समर्पया हमी ये चौराहा है, और इसी से मिलते हुए सीधे जाता है, सामने आपको गेट भी दिख रहा होगा, मेन रास्ता यही है। हम लोग आए थे अंदर वाले रास्ते से ताकि हमारी गाड़ी पहुंच जाए और खड़ी हो जाए आराम से। बड़ा कुंड है ये, मथुरा का पोतरा कुंड है। इस कुंड की पौराणिक मान्यता ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, तो उनके जन्म लेने के पश्चात उनके अंग वस्त्र यहीं पर साफ किए गए थे। श्री कृष्ण जन्म भूमि के बिल्कुल पास में है, और यहाँ से गेट आप सामने अभी देखे ही हैं, और यही मान्यता है इसकी। बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ। श्री कृष्ण जन्म कुंड है, लेकिन मेन गेट है, लेकिन हम लोग उस अंदर से जा रहे हैं लॉकर रूम में, क्योंकि हम लोगों को फ़ोन जमा करना रहता है, सामान जमा करने, सामान घर में, और उसके बाद में फिर अब वीडियो मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे दर्शन हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर मोबाइल अभी नहीं अलाउड है, कारण जानते हैं, क्योंकि यहाँ भी विवाद चल रहा है। हमने देखा आज पहली बार, बड़ा ही मतलब क्या बताएं, एक दर्द की तरह होता है कि हाँ किस तरीके से विवादों में फंसा हुआ है श्री कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन हाँ, बगल में ही सटा हुआ कारागार बना हुआ है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पर दर्शन हो रहा है, लेकिन बाकी तो विवाद है ही है। जब तक वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, मतलब अभी कोर्ट में चल रहा है, फाइनल होगा तो फिर मिलेगा। बड़ा ही मनोरम दर्शन हुआ,
मैं तो भाव विभोर हो गया। तो इस समय सिक्किम जन्मभूमि परिसर में ही जो मंदिर बना हुआ है राधे कृष्ण का, वो वहाँ पर जो भाई दिव्यता है, जो भव्यता है, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो आपको यहीं पर आना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है। अब मंदिर के अंदर तो मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो क्या हुआ, आपको मैं मेन गेट से जो मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है वहाँ से मंदिर के दर्शन करा सकता हूँ। इस समय हो रहा है 10 और काफ़ी चहल पहल हो गई है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है लोगों की। हम लोगों ने जिस समय दर्शन किया था उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी भीड़ हो गई है। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के आसपास। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गेट नंबर 1 है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है कितना भव्य बना हुआ है। बिल्कुल ये जो आप ऊंचा शिखर देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। हालांकि ये जन्मभूमि मंदिर है, जन्मभूमि से सटा हुआ पूरा ये क्षेत्र है और बहुत ही अच्छा बना। अंदर मैं इसी की बात कर रहा था कि अगली कड़ी में हम लोग निकल पड़े हैं द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ। वहाँ पर थोड़ी सकरी गलियाँ हैं, पतले रास्ते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी है और एक टुक टुक पकड़ लिया है, और इससे हम लोग जा रहे हैं मथुरा की गलियों में और अब जाकर द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल यमुना जी के बगल बगल चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे अयोध्या में राम की पैड़ी है, वैसे इस तरफ यमुना जी हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब भी कृष्ण नगरी का विकास होगा अयोध्या के तर्ज पर, तो इसको कृष्ण की पैड़ी अवश्य बनाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन आगे तो सब कुछ समय के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ दिख रही हैं यमुना जी के बगल, ये पूरा घाट जो है इसको बिल्कुल विकसित किया जाएगा। बस ज़रूरत है तो फैसला आने की, और मुझे नहीं पूरे देशवासियों को, समस्त हिंदू जनमानस को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला आ जाएगा। एक बोट वाले से बात हुई है, ये रास्ता इसी तरफ मंदिर है, लेकिन हम लोग अब चलेंगे बोट से, प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। बोट वाले ने बताया है कि हम लोग मतलब नाव इस बोट से जाएंगे और सीधे वो मंदिर के सामने उतार देगा, वहीं से जाके हम लोग को सीधे दर्शन करना होगा। तो चलिए बोट का भी मज़ा ले लिया जाए, बोट का भी आनंद ले लिया जाए, मथुरा जी आए हैं और यमुना जी के पानी को कम से कम चरण स्पर्श कर लिया जाए। तो हम लोग बोट में बैठ भी चुके हैं और भैया ने बोट स्टार्ट भी कर दिया है, केवल 5 लोगों को बिठा के। दिल भाई साहब का बहुत बड़ा है, उन्होंने बताया है। यमुना मैया की जय। तकरीबन वहाँ से बैठे थे, बगल में एक कंस का किला था और इस घाट के किनारे किनारे लगातार हम लोग चल रहे हैं। तमाम मंदिर, पुराने पुराने मंदिर यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये रास्ता है और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। पास में ये देखिए बड़ा हनुमान मंदिर बंद है, बिल्कुल पूरी तरीके से अयोध्या की तरह प्रतीत होता हुआ। यही है द्वारिकाधीश मंदिर, आपको दिखेगा। द्वारिकाधीश मंदिर का भी दर्शन संपन्न हो गया है। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और कई समय में यहाँ पर लोगों को रोका जाता है दर्शन के लिए। 2 बार से पहले खुल चुका था मंदिर और उसके बाद हम लोग 10 बजे पहुँचे थे, 10 बजे फिर इसकी ओपनिंग हुई थी।
तो इस प्रकार इसमें कई बार ये खुलना बंद होना इसका सिलसिला लगा रहता है, इसलिए भीड़ काफी हो जाती है। लगातार चलता तो शायद भीड़ कम होती। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare तो ये रही आपके चैनल पर मथुरा की यात्रा। आप कभी मथुरा आए हैं कि नहीं हमें कमेंट में बताएं। पहले आए हों तो कमेंट में बता दीजिएगा और नहीं आए हों तो भी बताइए। मैंने कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी, वैसे छोड़ी तो बहुत है, केवल दो मंदिर मैंने दर्शन किए हैं और मथुरा में घूमा है थोड़ा बहुत, क्योंकि समय की कुछ अनुपलब्धता है हम लोगों के पास, समय का अभाव, वापस घर में पहुँचना है। तो मिलते हैं वीडियो से। नमस्कार।